कृष्ण जन्माष्टमी पर कई योग बन रहे हैं। कहा जाता है कि इन खास योगों के दिन कुछ उपाय करने से जीवन के बहुत सारे कष्टों से मुक्ति मिलती है, घर में सुख शांति मिलती है, अन्न की कमी नहीं होती। यदि निसंतान दंपति इन उपायों को करता है तो जल्दी ही उनके घर में किलकारी गूंजने लगती है। तो जानते हैं इस वीडियो में कि कौन से हैं वो सरल और आसान से उपाय। जन्माष्टमी एक ऐसा त्योहार है जिसे पूरे भारत वर्ष में धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल ग्रस्त जीवन वालों के लिए 6 सितंबर को ये दिन मनाया जाएगा, वहीं वैष्णव संप्रदाय इसे 7 सितंबर को मनाएगी। शास्त्रों में इस दिन में आर्थिक तंगी दूर करने के लिए कुछ खास उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को करने से भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में किसी चीज की कमी नहीं मिलती। पर दोस्तों, ये उपाय बड़े ही सच्चे और साफ मन से करने चाहिए। जन्माष्टमी के दिन सुबह किसी भी राधा कृष्ण के मंदिर में जाए, श्री कृष्ण जी को पीले फूलों की माला चढ़ाए। ऐसा करना बहुत शुभ होता है, खासकर से वो लोग जो नौकरी पेशा है। इसके साथ ही धन लाभ के योग भी बनते हैं और आर्थिक समस्या दूर होती है। दोस्तों, इस दिन भगवान को पीले रंग के कपड़े, पीले फल, पीला अनाज या पीली मिठाई भी चढ़ाए। इसके अलावा अपनी श्रद्धा अनुसार इस चीजों का दान भी करें। जीवन में धन की कमी नहीं होती। जन्माष्टमी के दिन भगवान की पूजा करते समय एक पान का पत्ता लें। उस पान के पत्ते पर सिंदूर से श्री लिखें और उसके बाद पूरा प्रारंभ करें। इस पर कुछ पैसे और चावल रखें। इसके बाद इस पत्ते को एक ऐसी जगह रखें जहां इसे कोई ना देखे, मंदिर में या तिजोरी में। इस उपाय से आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। जन्माष्टमी के दिन सुबह स्नान करने के बाद बाल गोपाल को नई पोशाक यानी नए कपड़े पहनाए, गोपी चंदन से श्रृंगार करें। इसके बाद राधा कृष्ण के मंदिर में जाए, वैजंती फूलों की माला अर्पित करें। ऐसा करने से रुके हुए काम पूरे हो जाते हैं। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन गाय और बछड़े की सेवा करनी चाहिए। कहा जाता है निसंतान दंपत्ति के घर जल्दी ही बच्चे की कलकारी गूंजती है। इसके साथ ही आप अपने घर में इसी दिन एक गाय और बछड़े की छोटी सी मूर्ति लाएं, मंदिर में रख के उसे रोजाना पूजा करें। आपके रुके काम तो बनेंगे ही, घर में शुभ समाचार भी आते रहेंगे। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सुबह 11 बजे तुलसी की परिक्रमा करें और घी का दीपक जलाएं। इसके बाद 108 बार ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, थोड़ी सी कपूर जलाएं और मिश्री का दान करें। जो लोग अपना व्यवसाय करते हैं उनके लिए ये उपाय बड़ा ही फलदायक है। कहा जाता है इस उपाय से करने से व्यापार में तरक्की।